नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RSG के क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता था कि हम यहां पे 1000 क्वेश्चन सीरीज जो कि साइंस का कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें से हमने अभी 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये चौथा पार्ट है। तो आइए हम यहाँ पर बिना टाइम खराब करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301 है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो ये एनाफिलीज मच्छर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये जोहानसन ने किया था। फिर अगला है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो ये वीडल एवं टैटम ने किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन एक यौगिक है? तो ये प्रोटीन का है। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है? तो ये एक केंद्र काणु है, ठीक है, जिसे मोनोसाइट कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये रक्तचाप बढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय है? तो ये एक रुधिर में निम्न शर्करा स्तर होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो ये प्लीहा में होती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो ये 100 से 120 दिन तक का होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 311 है, संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है? तो ये सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि होमो सेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये मानव बुद्धिमान से है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं? तो जो है एड्रिनल को बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को बोलते हैं? तो इसे आर्निथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आर्निथोलॉजी। फिर अगला क्वेश्चन है कि अतरंग अंगों का अध्ययन कहते हैं? तो इसे एंजियोलॉजी बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, नींद ना आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द कौन सा है? तो ये इंसोमनिया है। ठीक है, फिर अगला है इसके बाद में कि मधुमक्खी पालन को कहते हैं? तो ये इसे एपिकल्चर बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो ये जो है कैरोटीन की वजह से ऐसा होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र जो है जनजातियाँ औषधि से संबंधित पौधे का किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेत कौन सा है? तो ये जो है शिशु मृत्यु दर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 321 है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो ये यूकेलिप्टस है। फिर अगला है, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये जो है परमाणु विस्फोटकों को रोक कर और विद्युत वाहन विनिर्मित करके किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें जो है कम सल्फर वाले ईंधन का उपयोग किया जाना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, शौच घरों और मूत्रालयों में प्राप्त वाहित मल को माना जाता है? तो इसे जो है स्वच्छता अपशिष्ट माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जिस फिल्टर पर मल जल सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है रिसाव फिल्टर बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? तो इसे जो है लाल डेटा बुक में दर्शाया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो इसे जो है शाही का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, फिर अगला है, जल उपचार में परावैज्ञानिक किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, मतलब किया जा सकता है? तो ये जो है रोगाणु नाशक के रूप में किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है? तो इसे जो है मुर्गी दाना की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को कहते हैं? तो इसे जो है पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि कृषि विज्ञान को कुछ वर्षों के लिए आकृष्ट मतलब खेती ना करना छोड़ देने को कहते हैं? तो इसे जो है प्रति छोड़ना। ठीक है, फिर अगला है, वर्गीकरण की कैरोलिस लीनियस प्रणाली है? तो ये जो है द्विपद प्रणाली है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवी किस्म की संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है चंडीगढ़ में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोन द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करने मतलब करना किससे संबंध व्यवहार करते व्यवहार है? तो ये सदस्यों को चेतावनी संकेत से है। फिर अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रदूषकों
की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यह पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो जो है पार्ट्स पर मिलियन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? तो ये जो है कच्चे माल की आपूर्ति करके और श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के करता है, ठीक है। फिर अगला है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो ये जो है मेलानिन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो ये जो है एस्पिरिन की मदद से किया जाता है, ठीक है। फिर अगला है, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं मतलब RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन की भित्तियों पर रक्त डालने मतलब डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो ये जो है धमनियों की कहा जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 341 है, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? तो ये जो है धमनी मतलब यकृत धमनी है, ठीक है। फिर अगला है, कौन सा अंग ग्लाइकोजन को बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो ये जो है यकृत करता है, ठीक है। फिर अगला है कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में से लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है? तो ये जो है इल मछली है। फिर अगला है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सादृश्य पौधों और कौन सा अणु पौधों में कौन सा अणु होता है? तो ये जो है साइटोक्रोम पाया जाता है इनमें, ठीक है। फिर अगला है, जब मानव हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो ये जो है महाधमनी की तरफ जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो ये जो है हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण होता है, ठीक है। फिर अगला है, इसके बाद में, यदि कोई किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये जो है बढ़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो ये जो है श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रारंभ करती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है प्रतिजन मतलब एंटीजन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो हमें ग्लूकोज लेना चाहिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो ये प्रोटीन के लिए होती है। फिर अगला है, खाली उदर की श्लेष्मल स्तर में पाए जाने वाले बलय क्या है? तो ये जो है रोगई है। फिर अगला है कि विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो ये जो है कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो ये जो विषाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है। जब कुत्ते काटते हैं तो विषाणु के द्वारा ये होता है ना। और रानीखेत बीमारी फैलती है तो ये वायरस के द्वारा फैलती है। फिर अगला है कि ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित रखा जाता है तो ये जो है मतलब कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। फिर अगला है कि RBC का कब्रगाह मतलब शमशान है तो ये प्लीहा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होते हैं तो ये जो है विषाणु के द्वारा होते हैं, ठीक है। फिर अगला है कि दो वंशानुगत रोग कौन कौन से होते हैं? तो वर्णांधता एवं हीमोफीलिया जो है वंशानुगत रोग होते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर, तो सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया था तो ये जो है हेनर ने किया था। कब किया था? तो ये 1876 में किया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती तो ये जो है हरा एवं लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रवित होता है तो ये जो है थायराइड ग्रंथि से ये हार्मोन स्त्रवित होते हैं, ठीक है। फिर अगला है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है तो इसमें जो है 20 संख्या पाई जाती है, ठीक है। फिर अगला है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो ये जो है प्रोटीन से जो है ऊतकों का यहाँ पे निर्माण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है मतलब आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ये जो है कैल्शियम व
फास्फोरस होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों का रंग हरा होता है, तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट की वजह से, मतलब हरित लवक के कारण होता है। फिर अगला है कि पत्तियों का पीला रंग होता है, तो ये जो है कैरोटीन के निर्माण के कारण पीली पत्ती होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है, तो ये जो है मैग्नीशियम है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है, तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण, मतलब प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है, जिसे फोटो सिंथेसिस भी बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो ये जो है CO2 जल है, मतलब और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश भी यहाँ पर आवश्यक है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो ये टाइलिन है। फिर अगला है टीबिया नामक हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो ये जो है टांग में पाई जाती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियाँ की संख्या सर्वाधिक होती है, तो इस जो है अंगुली में सर्वाधिक हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। फिर अगला है भोजन पचाने में सहायक होता है, तो एंजाइम होते हैं। फिर अगला है कि एंजाइम की रचना होती है, तो ये जो है अमीनो अम्ल से होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, तो ये जो है एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। फिर अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो ये जो है लाल रंग के प्रकाश में होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है उपचयन होता, मतलब ऑक्सीजन निकलना मतलब उपचयन होता है, तो ये जो है जल से होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो ये जो है हेफेरिन नामक जो प्रोटीन है उसकी वजह से रक्त को जमने से रोकता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हेफेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, तो ये कहाँ होता है, तो ये यकृत के द्वारा होता है, ठीक है। फिर अगला है खून थक्का नहीं जमता, मतलब खून का जो थक्का नहीं जमता तो किसकी वजह से, तो ये हीमोफीलिया रोग में ऐसा होता है, ठीक है। फिर अगला है कि प्रोटीन किसने, मतलब किससे पचते हैं, तो ये प्रोटीएस से पचते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इसके बाद में कि एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है, तो ये जो है पीएच के उससे होती है ना, पीएच के परिवर्तन से होती है। फिर अगला है इसके बाद में कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है, तो ये ग्राउंड नट में, मतलब ग्राउंड नट ऑयल जो होता है उसमें नहीं होता है। फिर अगला है विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, तो ये राइबो प्लेविन है, ठीक है। फिर अगला है विटामिन A प्राचुर होता है, तो ये जो है प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है विटामिन A में काय में, तो ये गाजर में पाया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है RH फैक्टर क्या है, तो ये जो है रक्त से संबंधित है। फिर अगला है RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, तो ये लैंड स्टीनर एवं वीनर है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है, तो ये विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती हैं, तो ये जो है सिरा कहलाती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती हैं, तो ये जो है धमनी कहलाती हैं। फिर अगला है कि धमनी की धड़कन का नियंत्रक है, तो इसे जो है पेस मेकर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त को शुद्ध करता है, तो ये जो है ब्रक करता है, मतलब किडनी जो है रक्त यहाँ पर शुद्ध करता है, ठीक है। फिर अगला है रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो ये जो है एड्रेनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, तो इसे जो है डायलिसिस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो ये स्फिग्नोमैनोमीटर कहलाता है, ठीक है। फिर अगला है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, तो ये जो है कैल्शियम ऑक्सैलेट की बनी होती है। फिर अगला क्वेश्चन है मूत्र का निर्माण होता है, तो ये जो है ब्रक किडनी में होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 400 यहाँ पर है कि ब्रक का भार होता है, तो ये जो है 150 ग्राम तक होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का अपना इम्पोर्टेंट सेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।